नमस्ते मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। पहली बात तो मैं बोलूंगा कि हो सके तो माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि चढ़ाया भी आपने उतारा भी अब आप ही लोगों ने है तो आप पे है। दूसरी बात मैं जो करना चाहूंगा, जो बीते दो दिनों से हो रहा था उस पर, देखे हमारी भी कंट्री है और अपनी कंट्री के लिए जो है ना भाई कोई भी रहता है, जैसे आपका रिएक्शन है वैसा मेरा भी रिएक्शन आया था, लेकिन जुनैद खान वाले मसले पे मैं थोड़ा गलत तरीके से मैं समझा दिया हो, वो उस तरीके से होना एक्चुअली में नहीं चाहिए था। सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है लोग की, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्रांड वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ना, वो है अविनाश अर्यन इज अपोलोजाइजिंग टू पीपल और फैंस इन पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ जुनैद खान, क्योंकि लाइक पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि अविनाश अर्यन ने लाइक बहुत ही ज्यादा जज्बात में आकर जुनैद खान को लाइक ट्रोल किया था, उसे बुरा भला कहा था और सब कुछ कुछ लाइक उस तरह हुआ था, क्योंकि मैंने वीडियोस नहीं देखी, बट हाँ इन टाइटल्स और न्यूज़ और सब टाइटल्स में मैंने देखा था कि यार बात जरा बढ़ चुकी है। और बाय द वे इसने शॉर्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि यस आई क्रॉस द लिमिट एंड आई एम सेइंग सॉरी टू पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि वहां पर जो है ना फिर लाइक इसने मान लिया था कि यार ठीक है मैं लिमिट क्रॉस कर गया था, मैंने गलती कर ली थी और उसके कुछ फॉलोअर्स कम हो गए थे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अगर अच्छा बोलोगे किसी के बारे में तो वो पास आएंगे और अगर बुरा बोलोगे तो वो दूर जाएंगे। तो इसका कहना है कि चढ़ाई भी आप लोगों ने और गिराई भी आप लोगों ने, तो इसलिए आई एम सो सॉरी। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन द बिलो सेक्शन एंड हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्ते मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। पहली बात तो मैं बोलूंगा कि हो सके तो माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि चढ़ाया भी आपने उतारा भी अब आप ही लोग तो आप पे है। दूसरी बात मैं जो करना चाहूंगा, जो बीते दो दिनों से हो रहा था उस पर, देखे हमारी भी कंट्री है और अपनी कंट्री के लिए जो है ना भाई कोई भी रहता है, जैसे आपका रिएक्शन है वैसा मेरा भी रिएक्शन आया था, लेकिन जुनैद खान वाले मसले पे मैं थोड़ा गलत तरीके से मैं समझा दिया हो, वो उस तरीके से होना एक्चुअली में नहीं चाहिए। शायद मैं प्यार से बात करता और समझाने की कोशिश करता तो शायद वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाती, बट वो चीज़ मेरे से गलती है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। आप प्लेयर को बोल सकते हो, ट्रोल कर सकते हो, बट कंट्री सबके लिए पहला ही होता है और आप लोग सही है अपनी जगह, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, बट चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। अब हम दूसरी बात पे आ रहे हैं, जो कल ट्रेंडिंग चल रही है, हमने देखा कि जो मजे लेने वाले आदमी थे ना, वो थे जिनकी दुकान मैंने बंद करवा दी है। अब देखें कुछ कुछ है कराची के जो माफिया वाले जर्नलिस्ट जो दिन भर बाबर आजम पे बोलते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं सो कॉल्ड जर्नलिज्म के नाम पे, भाई वो तो मौके तलाश रहे थे ना। और जो ट्विटर पे भी फॉलोअर्स वगैरह जिनके है ना, वो 5,000, 6,000, 8,000 वाला, अब उनको ये गलत फहमी है कि बाबर आजम जो है ना, को जो मशहूरियत मिली है ना उनकी वजह से, या बाबर आजम जो उनको बैकिंग मिलती है उनकी वजह से। भाई बाबर को किसी की बैकिंग की जरूरत नहीं है, मैं पहली बात बता रहा हूँ ना, अविनाश आर्यन किसकी वजह से, वो बाबर आजम की वजह से। मुझे कोई जानता तक नहीं था भाई, बाबर से पहले मुझे नहीं जानता था, क्योंकि मैं डेस्क पे काम करता था, ठीक है। अब ये लोग के बड़े मौज आ गए, इनको लगा यार बंदा ना हार जाएगा, अब तो ये गया, अब तो सोशल मीडिया पे नहीं आएगा। क्या समझो भैया, बुरे दिन इनके भी आए थे बाबर भाई के, अरे सॉरी यार मैं दिखा देता हूँ, इनके भी मुश्किल टाइम आए थे, बंदे ने कमबैक जबरदस्त किया था, लेकिन वो लोग जो खुशी मना रहे थे ना इस बात के लिए कि यार अब तो अविनाश भाई, अब तो अविनाश गया भाई, अब तो अविनाश का तो कुछ भी ये नहीं होगा, अब तो पूरा एकदम जितने भी आपके वहाँ के ये सब है, अब तो बाबर आजम पे खुल के तनकीद करो क्योंकि पूरे लोग उनके अगेंस्ट हो गए हैं। भाई 2.5 लाख के परिवार में अगर 10,000 लोग नाराज हुए हैं ना, तो 2,40,000 लोग जो है ना वो इस बात के लिए भी खड़े थे और वेट कर रहे थे कि अविनाश भाई का क्या रिएक्शन होता है इस पे, और अविनाश भाई ऐसा, लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि अविनाश भाई भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन पे मेरे पे यकीन था।
और विश्वास जीतना था मुझे, और विश्वास मुझे जीतना है, भरोसा जीतना है जो मैंने खोया है। मैं जानता हूँ कि मुझे उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, इसी वजह से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता है, कोई भी नहीं होता और कोई बड़ा नहीं हो जाता है। तो माफी मैंने मांग ली है, लेकिन 1800 होगी सीरीज, तो जो कराची के लोग सब जो है ना, सॉरी कराची बहुत अच्छी अच्छा शहर है, बट वहां के जो मीडिया हाउसेज के जो है ना, जो खुशी मना रहे थे, अब तो अविनाश आएगा ही नहीं। वैसे 10 पेज बना लूंगा ना, 10 पेज पर भी मैं वही बात करूंगा और बाबर को ही बैक करता रहूंगा भाई, समझे, जब तक है जान, है ना। तो जब तक हूँ सोशल मीडिया पे, और अच्छी बात है ना, मेरा नाम ले लेके लोग वीडियो बना रहे, व्यूज पा रहे, भाई ब्रांड है, अपन भाई भी ब्रांड है, भाई के बगल वाला भी ब्रांड है, ठीक है ना, इनके साथ रह के मेरा भी नाम जुड़ गया, तो ब्रांड तो बन गया हूँ। तो बना ले भाई, जितना वीडियो बनाना है बना लो भाई मेरे अगेंस्ट में, पर मैं जानता हूँ मेरे साथ ना लोग खड़े हैं, खड़े रहेंगे और आगे भी तक रहेंगे। धन्यवाद यार, एक बात बहुत पसंद है इस बंदे की मुझे, कि सच बोलता है और अगर वायलेंट हो जाए, जैसे कि हुआ था पिछले कुछ दिनों से, लाइक 3-4 दिन कह सकते हैं कि जुनैद खान और विराट कोहली का जो मसला आया था, बट यार उसमें अगर सीरियसली मैं कहूँ ना, एज अ पाकिस्तानी नहीं कह रहा बट एज अ क्रिकेटर को एनालाइज करके अगर कहूँ, तो यार जुनैद खान विराट कोहली पे काफ़ी बारी है और था, अभी तो नहीं है बट था, क्योंकि उस टाइम जो है ना विराट कोहली जुनैद खान को लाइक खेल नहीं पा रहा था, वो लीजेंड प्लेयर है, ऐसा नहीं कि वो खेलना नहीं चाहता था, वो खेलना चाहता था, बट जुनैद खान की जो डिलीवरी उससे आ रही थी ना, वो उसके उस टाइम उस पर टेक्निकल सॉलिड नहीं था, अब है, उस टाइम नहीं था। अगर अब जुनैद खान उसे वो बॉलिंग कराएगा ना, तो विराट कोहली ने उस कमजोरी को अपने आप से खत्म कर दिया है, बट पहले उसमें कमजोरी थी, हर प्लेयर में कुछ ना कुछ नीच ऊंच होती है, हर प्लेयर में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, जिसकी वजह से वो लाइक मैक्सिमम कंसिस्टेंसी नहीं बना सकते, जैसे कि बाबर आजम और विराट कोहली का सीजन चल रहा है ना अभी लाइक 2024 का, और इससे पहले जो सीजन चल रहे थे, इनफॉर्म भी थे आउटफॉर्म भी थे, लाइक विराट कोहली का आउटफॉर्म सीजन तो तकरीबन 3 से 3.5 साल रहा है, 4 साल तक रहा है, बट जुनैद खान की और जो कुछ डिलीवरी थी ना, आई थिंक 32 रन पे विराट कोहली के 4 से 5 बार आउट किया है। तो यार ये लाइक मानना पड़ेगा कि एक बॉलर ने जो है ना लीजेंड प्लेयर को थोड़ा डिस्टर्ब किया था, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ना चाहे था या जुनैद खान ऐसा जुनैद खान वैसा, ठीक है एवरेज बॉलर है, बट वो मुश्किल किसके लिए बना, वो मुश्किल एक अच्छी बैट्समैन के लिए बना जिसका नाम है विराट कोहली। तो कभी कभार अल्लाह किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से अता करता है, और वो जो है ना जुनैद खान को खुशी करने का एक मौका था अल्लाह ने अता किया। तो आज की वीडियो में बस इतना, और सबसे एक्सीलेंट बात जो है ना अविनाश भाई की, वो ये इन लोगों ने इससे माफी मांग ली तो बात खत्म, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता, बट हाँ बड़ा जरूर हो जाता है कि लोगों की नजरों में कि चलो इसने अपनी गलती मान ली है, इसे अब लाइक दिल से सपोर्ट करना बनता है। सो आई एम सपोर्टिंग हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आज जो ना लाइक इसने एक बात की, बाबर आजम मेरी वजह से ब्रांड नहीं बना, मैं बाबर आजम की वजह से ब्रांड बना, और ये बात पक्की है, क्योंकि बाबर आजम एक नेशनल और इंटरनेशनल स्टार है, पर यहाँ पर बार जो उन लोग बाबर को जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो नेशनल स्टेट और लाइक नेबर कंट्रीज में लाइक जाने जाएंगे, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, इंटरनेशनल के साथ नेशनल तो बन जाता है बंदा लाइक स्टार की अगर बात की जाए तो। सो आज की वीडियो में बस इतना, इफ यू गाइस आर न्यू ऑन माय चैनल एंड इफ यू गाइस लाइक द वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन द बिलो सो जेंटिल स्टे ट्यून्ड एंड टाटा बाय बाय। Oh, 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 oh